डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर द सर्मन एट बनारस के एक्सप्लेनेशन करेंगे। द सर्मन मींस क्या होता है? प्रवचन देना। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है गौतम बुद्ध के नाम पर। और आप सबको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध उत्तर भारत में रहते थे, जिनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता था, जो कि क्या बोलते एक राजकुमार हुआ करते थे। और उन्होंने 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए उन्हें भेजा गया था। तो उन्हीं का चैप्टर है, तो हम अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट है गौतम बुद्धा से। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन अ नॉर्थन एज इंडिया। तो जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो जीवन था वो उत्तर भारत में हुआ, और उनका नाम छोटे में सिद्धार्थ गौतम था, जो कि वो एक क्या थे, प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। एंड एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्कियर स्क्रिप्चर फॉर 4 ईयर्स, लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो जब वो 12 साल के हुए, तो 12 साल की उम्र में उनको कहाँ भेजा गया? हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए भेजा गया। यानी वो 12 साल की उम्र में वहाँ गए और 4 साल तक उन्होंने वही किया। 4 साल बाद वो वापस अपने घर आए और उन्होंने एक राजकुमारी से, एक प्रिंसेस से शादी की। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज befitted royalty. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world. तो जब उनका विवाह हुआ एक राजकुमारी के साथ, तो उनको एक पुत्र हुआ था, और इस वर्ष तक उन्होंने, मतलब जब तक उनका पुत्र हुआ 25 वर्ष तक की आयु में, उन्होंने सिर्फ अपने राज परिवार के ही अनुरूप जीवन जिया। जैसा राज परिवार जीवन जीता है, वैसे ही उन्होंने जीवन जिया। कब तक? 25 उम्र की। जब वो 25 वर्ष की आयु में हो गए, तो उन्होंने ये सोचा कि आज मैं कहाँ जाऊँगा, शिकार खेलने जाऊँगा। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन देन एन एज मैन देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर अ आंस। तो जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जंगल में क्या देखा, जंगल में उन्होंने एक क्या बोलते हैं, शिकार पे जाते हुए उन्होंने एक रोगी को देखा। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने एक रोगी को देखा जंगल में जाते हुए। फिर थोड़ी देर वो और थोड़ा आगे चले, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति की शव यात्रा देखी। फिर वो थोड़ी दूर और आगे गए, तो उन्होंने साधुओं को देखा जो भिक्षा मांग रहे थे। ये सब किसने देखा? गौतम बुद्ध ने देखा, जब वो कहाँ गए थे, अपना ये शिकार खेलने के लिए गए थे। अब क्या होता है? बैगर एंड वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. तो जब उन्होंने ये देखा ना, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनकी आँखों में वही दृश्य समा रहे थे कि मैं तो मतलब एक राजकुमार हूँ, मैंने दुख नहीं देखा है, मगर अगर हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो मैंने क्या देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति की शव यात्रा को देखा, बहुत सारे साधुओं को भिक्षा मांगते देखा। तो उनको उनका दृश्य, उनका मतलब उनको झकोड़ दिया गया कि दुनिया में कितना क्या है, दुख भी है। अब वो क्या हो गए, फिर जब उन्होंने ये सब देखा, तो वो एक भिक्षुक बन गए। कौन? गौतम बुद्ध। और क्यों बन गए गौतम बुद्ध? क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि दुनिया कैसी है। अब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो 7 वर्ष तक घूमते रहे, यानी उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया था और वो 7 वर्ष तक घूमते रहे। 7 वर्ष घूमने के बाद एक ट्री था, जिस ट्री को इंग्लिश में फिक ट्री बोलते हैं और हिंदी में अंजर का वृक्ष भी बोलते हैं, उनके नीचे वो बैठे। और वहाँ बैठ के उन्होंने क्या की, बैठने की प्रतिज्ञा ली, और वहाँ पे उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया। कि उन्होंने? गौतम बुद्ध ने। जब उन्होंने उस फिक ट्री पे ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ट्री को बो ट्री भी कहा जाता है और ट्री ऑफ विजडम यानी ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है। किसको? उस ट्री को। एट फिर अब क्या हुआ,
अब एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस मोस्ट होली ऑफ डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हियर इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धा विजडम अबाउट वन इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग तो जब उन्होंने क्या बोलते हैं उस पेड़ पे ज्ञान प्राप्त किया तो उस जो पेड़ था उस पेड़ का नाम क्या रखा गया बो वृक्ष रखा गया या ज्ञान का वृक्ष भी कहा गया यानी ट्री ऑफ विजडम भी कहा गया। अब उन्होंने क्या कर दिया ज्ञान बांटना आरंभ कर दिया और लोगों को सिखाना आरंभ कर दिया कि उन्होंने गौतम बुद्ध ने क्यों क्योंकि अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब वो क्या कहलाए जाते थे सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं बल्कि बुद्ध कहलाए जाते थे क्यों क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है जागृत करना या ज्योतिर्मय करना तो इसीलिए अब उनको क्या कहा जाता था बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया बनारस शहर में दिया और किस नदी के पवित्र घाटों में दिया गंगा नदी के पवित्र घाटों में उन्होंने अपना प्रवचन दिया और वो प्रवचन आज भी वहाँ पे संरक्षित है और वहाँ पे कहीं पे वो छिपा हुआ है जिसमें क्या लिखा गया है जिसमें ये लिखा गया है कि जीवन के कष्ट हैं बहुत सारे और उनको हमें झेलना ही पड़ता है। तो अब इसमें एक छोटी सी कहानी आती है इस गौतम बुद्ध के चैप्टर में और वो कहानी है एक कीसा गौतमी नाम की। क्या है कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड In her grief, she carried the dead child to all neighbors, asking them for medicine. And the people said, she has lost her sense, that boy dead. तो एक औरत थी एक लेडी थी जिसका नाम कीसा गौतमी था और उसका केवल एक ही पुत्र था जो कि मर चुका था। अब जब वो मर चुका था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और खूब विलाप रो रही थी और वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है अपने रिश्तेदारों के पास जाती है और पूछती है क्या आप लोगों के पास कोई दवाई है जिससे मेरा बच्चा सही हो जाए। तो लोग बोलते थे शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस मतलब वो पागल हो गई है क्यों क्योंकि उसका लड़का तो मर चुका है अब उसको दवाई देने का क्या फ़ायदा। ऐसी फिर क्या होता है एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट आई कैनॉट गिव दिस मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो वो अब बाद में वो क्या करती है कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती है जो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता मगर मैं तुम्हें एक ऐसा वैद्य जानता हूँ जो शायद तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाल्यमुनि द बुद्धा। तो वो जो कीसा गौतमी है वो बोलती है कि कृपया करके मुझे बताइए श्रीमान वो कौन है मैं उनके पास जाऊंगी। तो वो आदमी बोलता है वो जिनके पास आपको जाना है वो है शाल्य मुनि गौतम बुद्ध। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। तो कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है जिनको शाल्य मुनि भी कहा जाता है जाके बोलती है कि मुझे वो औषधि यानी मुझे वो मेडिसिन चाहिए जिससे मेरा पुत्र क्या हो जाए ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ अ मस्टर्ड सीड एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट टू द बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट्स और फ्रेंड। तो गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर के सरसों के दाने चाहिए किसी भी घर से। तो कीसा गौतमी बहुत खुश हो जाती है क्यों क्योंकि वो किसी के भी घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आ सकती थी। बट गौतम बुद्ध जी ये भी कहते हैं कि जो तुम सरसों के दाने लेकर आओगे वो एक ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पे किसी का ना बच्चा ना किसी का पति ना किसी के माता पिता ना कोई मित्र किसी का कोई ना खोया हो मतलब किसी की डेथ वहाँ ना हुई हो। तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी भर के क्या लेकर आओगे सरसों के दाने लेकर आओगे। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम द हाउस टू हाउस एंड द पीपल पीस्ड हर एंड सेड हियर इन अ मस्टर्ड टेक इट बट व्हेन शी आस्क्स डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। तो जो पुअर बेचारी सी जो कीसा गौतमी थी वो लोगों के घर घर जाती है और लोग उसे बोलती है मुझे सरसों के दाने दे दो एक मुट्ठी भर के। जब लोग उसको देने के लिए तैयार होते फिर वो पूछती है क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र या पिता या माता कोई मरे तो नहीं है। तो तब लोग क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं दे आंसर्ड हर एलास द गिविंग आर फ्यू बट द डेड आर
many. Do not remind us of our despair, grief, and there was no house but some beloved one had been died. तो लोग उसे उत्तर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा शोक का विषय है. क्या शोक का विषय है? कि जिनको हम अब भूल चुके हैं. भूल मतलब कि अब हम मतलब उनके लिए विलाप नहीं कर रहे हैं, और आप हमें वही चीज़ याद दिला रही हो, हमारे कष्टों को याद दिला रही हो, तो ऐसा मत करो. तो उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे उसे सरसों के दाने मिले जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो. अब क्या होता है? अब होता है Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the light of the city as it flickered up and extinguished again. At last the darkness of the night resigned everywhere and she considered the fate of a man and their leaves flicker up are extinguished again and she thought to herself how selfish am I in my grief. So, जो कीसा गौतमी थी वो थक कर निराश हो जाती है क्योंकि उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो. तो वो क्या करती है, वो शहर एक जगह एक कोने में बैठ जाती है और उस कोने में बैठकर शहर की रोशनी को देखने लग जाती है. तो वो शहर की रोशनी जब वो देख रही होती है तो वो बहुत टिमटिमा रही होती है वो रोशनियाँ, और थोड़ी देर बाद जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, लोग सोने चले जाते हैं, तो वो टिमटिमाती हुई रोशनियाँ बुझ जाती है और अंत में चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है. और तब कीसा गौतमी ये सोचती है कि आदमी का भाग्य भी ऐसा ही है, जीवन जो है उसका वो टिमटिमाता रहता है और जब उसकी मृत्यु आती है तो चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है. तो कीसा गौतमी बोलती है, सोचती है कि मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई थी कि मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, फिर भी मैं उसको वापस लाना चाहती थी. किसको? अपने पुत्र को. तो यानी दुनिया ऐसी है, जो आता है वो एक दिन ज़रूर जाता है. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, Yet in this valley of desolation there in a path that leads him to who immorality who has surrendered all selfishness. तो वो ये बोलती है कि हाँ मृत्यु तो सबके लिए समान है, फिर भी इस दुखों हो से भरी दुनिया में जिसने अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया, एक रास्ता उसे अनश्वरता की ओर लेकर जाता है. कौन बोलती है? कीसा गौतमी बोलती है. अब क्या होता है? द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन द वर्ल्ड इन ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद द पेन फॉर देयर इज नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज. देयर इज अ डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग एज अ राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग सो मॉर्टल वैन बॉर्न आर ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय पॉटर एंड इन अ बींग ब्रोकन सो इन द लाइफ ऑफ अ मॉर्टल बोथ यंग एंड एडल्ट बोथ दोज हु आर अ वाइज आर फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. तो फिर जो गौतम बुद्ध जी होते हैं, बुद्ध जी भी यही कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है. बहुत तो वो दुख भी मिलती है और तकलीफ भी मिलती है, मगर हमें वो सब क्या करना पड़ता है, सहना ही पड़ता है. और वो कहते हैं कि आदमी जन्म लेता है, वो पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो मरेगा भी, यानी वो अगर जीवन में इस दुनिया में आया है तो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी ज़रूर होगी. वो भी कब? जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी. तो फिर वो ये भी बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे वो एक पके हुए फल होते हैं, उनका गिरना का खतरा रहता है, मतलब वो गिर जाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं. कौन? फ्रूट्स. तो उसी प्रकार इंसान भी जब जन्म लेता है तो उसको एक किस चीज़ का खतरा होता है, मरने का खतरा सदा रहता है. जैसे एक कुम्हार, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एक कुम्हार है, वो जब सभी बर्तन उसके अगर टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो फिर से दोबारा क्या करता है, कोशिश करता है उनको बनाने की. तो यानी ये जीवन क्या है, नश्वर है. बच्चे हो बूढ़े हो, दोनों को ही क्या होना होगा, एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होगा. चाहे कोई इंसान मूर्ख हो या कोई बुद्धिमान हो, वो भी एक ना एक दिन तो अवश्य क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन मार्क वाइल Relatives are looking on lamenting deeply. One by one mortal are carried off like an ox
दैट इज लीड टू दी स्लॉटर. सो द वर्ल्ड इज एफिलेटेड विद डेथ एंड डीके. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड. वे कीसा गौतमी से कौन बोल रहे हैं? बुद्धा जी बोल रहे हैं. वे जो मृत्यु का शिकार होते हैं जीवन से चले जाते हैं. जो एक पिता होता है यानी एक फादर होता है वो अपने पुत्र को कभी नहीं बचा सकता. जो रिलेटिव्स होते हैं वो अपने संबंधियों को भी कभी नहीं बचा सकते हैं. संबंधियों के देखते देखते क्या हो सकता है? सिर्फ गहरा शोक व्यक्त कर सकते हैं मगर उनको हम बचा नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ क्या है? नश्वर है. जैसे एक बैल है जब वो कसाई के पास लेके जाया जाता है तो इसी प्रकार पूरा संसार क्या है? मृत्यु तक समाप्ति से ही पीड़ित है. इसीलिए बुद्धिमान संसार के नियमों को जानते हैं और दुखी नहीं होते. तो यानी कुल मिलाकर गौतम बुद्ध जी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि दुनिया में जो आया वो एक ना एक दिन जाएगा, आप इतना दुख प्रकट मत करो. लास्ट की लाइन क्या है? नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑन द कंट्रोरी हिज पेन विल बी अ ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. ही हु सिक Peace should draw out of the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out of the arrow has become a composed, will obtain peace of a mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and he blessed. तो वो बोलते हैं ना रोने से और ना ही दुखी होने से हम किसी को भी मन की शांति मिलती है. इसके विपरीत वो क्या होता है? इसके विपरीत ये होता है कि वो इतना दुख प्रकट करता है, इतना रोता है कि उसके शरीर को ही कष्ट होता है. किसके? जो इंसान चला गया वो तो चला गया पर जो इंसान उसके लिए रो रहा है वो अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट दे देता है. वो स्वयं क्या बन जाता है? रोगी बन जाता है यानी उसको रोग जकड़ लेते हैं. फिर भी वो दुख करता है क्यों? क्योंकि उसको जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका उसको दुख है. मगर हमें शांत रहना चाहिए. हमें शोक शिकायत दुख का तीर अपने दिल से निकाल देना चाहिए. वो जो तीर निकाल लेता है वो स्थिर इंसान हो जाता है, मन की शांति पाएगा और अपने दुख पर क्या कर लेगा? काबू कर लेगा और दुखों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और आशीष पाएगा, ब्लेस्ड होगा. तो ये सारी की सारी बातें कौन बोलते हैं? गौतम बुद्ध जी बोलते हैं. सिर्फ उनका यही मतलब था कि इस दुनिया में जो आया वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त ज़रूर होगा मगर अगर आप ज़्यादा ही शोक व्यक्त करोगे, ज़्यादा ही रोगे तो आप अपने शरीर को ही कष्ट दोगे जिससे आपके शरीर में क्या हो जाएंगे? रोग, आप रोगी हो जाओगे. तो इसीलिए आप इतना दुख मत प्रकट करो हो और अपने मन की को शांत रखो. तो ये था चैप्टर द सर्मन एट दी बनारस.